साधन प्रसाधन नो डाउट शासन और प्रशासन जो नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी भारी संख्या में पंचायत और बहुत भारी संख्या में अभी कांवड़ी आ रहे हैं और आगे और घूमने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी इस सुविधा व्यवस्था है कि लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, खासतौर से रुड़की में मैं देखता हूँ क्योंकि ये तो देवभूमि का खेत प्रवेश द्वार है, यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और उसके बावजूद भी शासन ने और प्रशासन दोनों ने आपसी तालमेल से और जनता के सहयोग से जनता को विश्वास में लेकर के किसी को परेशान भी नहीं कर रहे, सबको सुविधा भी दे रहे हैं। जिले के अंदर इस तरह से सक्रिय है कि हर एक आदमी एक उत्तर में हर एक की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है खड़े दिखाई देते हैं। बच्चों के स्कूल की बात हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो, ये मैं समझता हूँ उसका श्रेय सबसे ज़्यादा हमारे DM साहब ले जाता है। साहब तो एक आदर्श व्यक्ति है, यहाँ के हमारे DM है हरिद्वार के, बहुत ही आदर्श व्यक्ति है रावत साहब और मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक मानवीय गुण है, मानवता जो एक अच्छे अधिकारी तो है, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति के अंदर भी और खासतौर से जो प्रशासक के IAS है उनके अंदर अगर मानवीय गुण आ जाता है तो मानवीय गुण को मैं ये समझता हूँ ये सबसे बड़ा गुण है, इस गुण के सामने कोई बड़ा गुण नहीं है। तो मानवता उनके अंदर फूट फूट के भरी है। ये भगवान शिव इस टाइम जो है मृत्यु लोग आ जाते हैं और आकर के अपने भक्तों का ऋषियों का सबका भला करते हैं, तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति समाज का जो भगवान को मानता है या भगवान का आस्था रखता है वो तो अगर पूजा पाठ करता है तो उसकी पूजा पाठ का सबसे ज़्यादा लाभ इस महीने की पूजा करने से मिलता है। इसलिए भगवान शिव का खास तौर से जो सिविल लाइन मंदिर है हमारा, इसका सबसे ज़्यादा महत्व मंदिर में माना जाता है, इसलिए कि मेरा बढ़िया द्वादश लिंग है, 12 लिंग है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये उनमें से तो नहीं मानते लेकिन ये उसी का अंश है और ये देखने को मिला है खासतौर से मेरा अपना अनुभव है कि जिन लोगों की पूर्ण आस्था भगवान शिव में है वो अगर यहाँ पर आते हैं आस्था के और विश्वास साथ आते हैं डेफिनेटली जो लोगों की एक मन्नत होती है उसको भगवान शिव हमेशा पूरा करते हैं। यदि अगर हरिद्वार जिले में हमारे जितने भी लोग गिराती है उन सबकी ओर से जो हमारे भोले भाई आ रहे हैं यहाँ पर देश के भिन्न भिन्न कोनों से सब हरिद्वार में आज चला रहे हैं और यहाँ से गंगा जल लेकर के वो अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ भी उनको जल अर्पण करना है भोले को वो वहाँ जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आस्था लोगों में बढ़ रही है लेकिन आस्था के साथ साथ वो लोग एक सहयोग की भावना भी रखते हैं, शासन और प्रशासन में सहयोग रखते हैं और जो आजकल बहुत बड़ी बड़ी कावड़ और ये सब आती है मैं समझता हूँ ये हमारी व्यवस्था में एक बाधा डालती है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आने वाले समय में आस्था रखें घर ले जाएँ, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी कावड़ है या बहुत बड़ा जो हमारे इधर ट्रैफिक होती है ट्रैफिक में व्यवधान डालते हैं उस व्यवधान में कमी आएगी और आने वाले समय में हमारे ट्रैफिक साइज के लोगों के अंदर आएगी जरूरत होगी और उनका ये बहुत बड़ा सहयोग होगा इस ज़िले के लिए और पूरे देवभूमि के लिए। तो ये गांव रोहिला नामदेव समाज की ओर से सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हरिद्वार आगमन पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इस आशा और विश्वास के साथ कि समस्त कांवड़िए स्वस्थ व प्रसन्नचित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सकुशल जल अभिषेक कर सकें और धन लाभ पाएँ उनकी सभी सारी मनोकामनाएँ पूरी हों, इसके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका नाम और किसकी ओर की तरफ से शुभकामनाएं? ये समस्त जो है अखिल भारतीय टॉप रोहिला समाज की तरफ से, जो वैसे हमारे खास तौर पर विनय रोहिला जी जो प्रभारी हैं हरिद्वार उत्तराखंड की तरफ से, मैं उनको उनके लिए बहुत बहुत जो है उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी तरफ से भी सभी के लिए सभी कांवड़ियों को ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोबारा सभी से भक्तों को हरिद्वार आगमन पर मेरी ओर से शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? अजय भाई।
Smart Sound.